नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। शिकार करने आया तेंदुआ खुद हुआ शिकार, 20 घंटे से कुएं में कैद। सदरपुर कस्बे में देर रात शिकार के दौरान एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिससे इलाके के लोग सहम गए। देखते देखते सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ कुएं में गिरे तेंदुए को देखने में लगी हुई है। ग्रामीणों ने कुएं में तेंदुए गिरने की सूचना पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व पुलिस ने लखनऊ से रेस्क्यू टीम को बुलवाया ताकि कुएं से तेंदुए को बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम द्वारा कुएं से तेंदुए को लगातार निकालने का प्रयास जारी है। सीतापुर से नरेश पांडे की खास रिपोर्ट। तालाब में तेंदुआ कल निकला हुआ है, क्या है? हाँ, कल ये शाम को जो है, खाफा खुर्द गांव है, यहाँ पर कल शाम को 6 बजे का तकरीबन जो है एक कुत्ते के ऊपर अटैक करने के चक्कर में जो है तेंदुआ जो है कुएं में गिर गया है। कुएं में काफ़ी पानी था, इसको हम लोगों ने इंजन लगा करके सक्शन पाइप से जो है पानी बाहर निकाला और इसमें एक पटरा जो है डाला गया है, उस पटरे पर बैठा हुआ है। चूँकि रात में कुछ और किया नहीं जा सकता था, रेस्क्यू टीम वहाँ लखनऊ से आ रही है, पहुँचने ही वाली है यहाँ पे। उसके आ जाने के बाद फिर इसको जो है निकालने की कार्रवाई की जाएगी। इसको किस प्रकार से निकाला जाएगा? अभी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमने मंगाया हुआ है पोल जो है, इससे 6 फीट, क्योंकि इसमें मुड़े नहीं है यहाँ पे, तो 6 फीट की दूरी से चारों तरफ से हम इसको जो है खम्भे गाड़ करके और जाल से इसको ढक करके और ट्रांसपोर्ट केज में उसको ट्रांसफर करने के। सीतापुर पुलिस ने किया खुलासा, एटीएम बदल कर रुपए चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी नगर तथा कोतवाली प्रभारी हरमेश सिंह के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे मैं फोर्स के साथ वंचित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र के चुंगी चौराहे पर मामूर थे। मुखबिर की सूचना पर अपने साथी के साथ पीएनबी बैंक एटीएम के पास खड़ा था। एटीएम बदलकर रुपए निकालने वाला चोर तभी पुलिस ने समय न लगाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर, जहां पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठे थे, पुलिस ने मौके पाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ही दूसरा व्यक्ति हेमपुरवा की तरफ जाने वाली गली पर भागने लगा। काफी प्रयास के बावजूद पकड़ में नहीं आया, जो मौका देखकर फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्तियों के कब्जे में 7,000 नकदी बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पकड़े गए अभियुक्त पर पहले से भी मुकदमा पंजीकृत है। सीतापुर से सिमरेश पांडे की रिपोर्ट। आज कोतवाली नगर में एक अभियुक्त पवन तिवारी पकड़ा गया। उक्त अभियुक्त द्वारा जो है लोगों के एटीएम बदल करके बैंकों से उनके खाते से पैसे निकाल लिया करते थे। मौके से इसकी गिरफ्तारी की गई। उसका एक साथी आशुतोष जो हरदोई जनपद का रहने वाला था, वो फरार हो गया और जमा तलाशी पर इससे 7,000 रुपये बरामद हुए हैं और इससे पूछताछ पर जो पूर्व की जो 4 घटनाएँ थी उनका भी खुलासा हुआ है और ये अब तक कुल 1.5 लाख रुपये तक की जो है एटीएम से इस तरह हेराफेरी करके पैसे निकाल चुके हैं। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं, कई घटनाएं यहाँ पर ये कारित कर चुके हैं। निश्चित रूप से इसके गिरफ्तार होने से इस तरह के अपराध में कमी आएगी। इससे पहले भी कोई मुकदमा चल रहा था? इसके पहले ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा था। ये 4 जो मुकदमे अभी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो कोतवाली नगर में 4 मुकदमे जो पहले से लिखे हुए थे जो अज्ञात में, उनका खुलासा इनसे हुआ है। सिधौली के मेला मैदान में समाजवादी नौजवान सभा का आयोजन। समाजवादी नौजवान सभा ने किया गोष्ठी का आयोजन, जहां समाजवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को किया संबोधित व अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताने एवं उनके कंधे को मजबूत बनाने के लिए लोगों से की अपील। आपको बताते चले कि यूपी के सीतापुर तहसील सिंधौली के मेला मैदान में समाजवादी नौजवान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता सहित तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं सिंधौली क्षेत्र के काफी लोग भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारी इस नौजवान सभा का मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कंधों को मजबूत करना है। सीतापुर से नरेश पांडे की खास रिपोर्ट। हम जैसे युवाओं को समाजवादी नौजवान सभा के माध्यम से राजनीति में लाए और पार्टी को मजबूत करने का अवसर दिलाया। आज इस मंच से कहना चाहूंगा, दिन भर की ताजा और आसपास के लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड न्यूज 24।